अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इब्रार और आप देख रहे हैं इब्रार मोबाइल एवरीथिंग। सो आज हम जा रहे हैं, बारबादर जूनियर चैंपियनशिप है आज पुशअप्स की, तो उस टूर्नामेंट में हम जाएंगे तो आपको सारा सीन दिखाएंगे। तो ये बात है, ये टूर्नामेंट हमारे एरिया में हो रहा है, तो मैं आज अब पैदल जाऊँगा और आपको मैं सारा दिखाऊँगा। मैं अपना स्कूल भी दिखाऊँगा जो जहाँ पर मैं पढ़ता था, ग्राउंड भी दिखाऊँगा जहाँ पर हम खेलते थे, और कुछ मार्केट्स वगैरह भी दिखाएंगे। रास्ते में जो जो सीन आया मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेरे ग्लासेस घूम गए हैं, तो आज हम बात इसी तरह ही करेंगे। और एक और बात बतानी थी कि वीडियो के एंड पे Q&A होगा, तो उसके अंदर 3 से 4 सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा, और अगर ये आपको पसंद आया तो फिर नेक्स्ट टाइम भी हम Q&A का अलग से एपिसोड बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये है शाहीन ग्राउंड, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट वगैरह और काफ़ी भी स्पोर्ट्स वगैरह खेले जाते हैं। स्पोर्ट्स की तरह मेरा तो कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं PC गेमिंग पे लग गया था, वीडियो गेम्स भी नहीं जाता था मैं। यहाँ पे कभी कभार खेलने आ जाते थे और वो एक छोटा ग्राउंड था, अब काफ़ी प्यारा बन गया, उधर ज़्यादातर खेला करते थे। सो गाइस ये है मेरा स्कूल IMCB, और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं पढ़ता आता था। सो ये स्कूल के साथ गली है जिस पे मैं जा रहा हूँ, अभी वॉक कर रहा हूँ, और ये स्कूल है साथ। एक मिनट, मैं मार बड़ी पड़ती थी क्योंकि हम बहुत शरारती थे। और जैसा कि देख सकते हैं अब ये दूसरा ग्राउंड आ गया, यहाँ पे ये फुटबॉल ग्राउंड बनाया था उस टाइम के, लेकिन लाइटिंग वगैरह का भी सेटअप लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। बस शौक से साइकिल होती थी तो हम अपनी तरफ से माउंटेन के लिए सीन करने आते थे इधर, ये सारा कच्चा होता था इस साइड का ही, ज़मीन पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी खड्डे वगैरह होते थे, यहाँ से एक रास्ता जाता था उस साइड। सो काफ़ी ज़बरदस्त, अब तो बन गया रोड, बन गई है पक्की रोड, यादगार जगह ही है सारी। ये देखें जी राजा लड़का, ये हमारे पतली गलियों में ये सीन है सारे। सो अब ये रास्ता जाता है IT मरकज़ की तरफ, और यहाँ पे जब हमने कोई खाने पीने का या शॉपिंग वगैरह करनी होती थी तो हम इस रास्ते को अपनाते थे पैदल के लिए या साइकिलिंग के लिए। मैं आया हूँ यहाँ पे बिल जमा कराने, और ये दुनिया की सबसे मनहूस जगह है PT सेल का ऑफिस, तो ना इनका नेट से ही चलता है, यही बिल आया हुआ है, अब ये जमा करेंगे फिर उसके बाद आप इवेंट पे जाएंगे। तो गाइस बिल जमा हो गया, अभी हम जा रहे हैं टूर्नामेंट में और जाके आपको सारा सीन दिखाएंगे, आगे मिलते हैं। इवेंट स्टार्ट हो गया और मैं अभी पहुंचा हूं। चले आपको आगे का सीन दिखाते हैं सारा। फर्स्ट और सेकंड आने वाले को ये प्राइज मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आज अब देखते हैं और आपको बच्चे थोड़े दिखाते हैं जो कि टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। ये सारे से सारे बच्चे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी बच्चे हैं सारे। सो इनको भी आप जानते होंगे, ये हमारे साथ थे नरान के ट्रिप पे और बार ब्रदर्स के ऑनर। सो अब ये इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, तो आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे कौन है इसके अंदर के बच्चे, ये किस तरह कहाँ से मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमने ये इवेंट रखा था अपने जो जूनियर्स मेंबर्स हैं और जो बाहर के लोग हैं 16 साल से कम के, उनके लिए एक इवेंट रखा ताकि वो भी इस एनवायरनमेंट में, इस अच्छी एक्टिविटी में शामिल हों। बिल्कुल, तो हमारी यही कोशिश है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ और अपनी उनकी जो हेल्थ है उसका ख्याल रखें, और पॉजिटिव जो एक्टिविटी हैं होती हैं इस लाइफ में, ठीक है। सो अब हम इवेंट को स्टार्ट करते हैं, आगे सारा सीन देखिए। सो गाइस इसको तो आप जानते होंगे, ये हमारे साथ था नरान के ट्रिप पे। सो अब ये आप यहाँ पे क्या बने हुए हो?
मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के, जो लोग पुशअप में कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हैं। बाकी बस चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस टूर्नामेंट अभी चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा क्यू एन ए कर लिया जाए। तो सबसे पहला मोहम्मद उस्मान का आया कि आपने चैनल बनाना कब शुरू किया और कब से आपको शौक है? मैं भी अपना चैनल जल्द बनाऊंगा। चैनल मैंने 2017 में बनाया था। असल में अकाउंट तो आपको पता है पहले का बना हुआ था, लेकिन एक मरतबा में वीडियो बनाने का शौक़ हुआ तो मैंने उसमें स्लो मोशन वगैरह सीन बनाया, तो मुझे शौक़ तब से शुरू हो गया। और दूसरी बात यह है कि 2015 में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पे, तब मैंने योंगनो का चाइना का लेंस लिया था तो उसकी पिक्चर्स वगैरह मैंने सेंड कर दी। सो हुआ ये कि उसके व्यूज़ 7,000 आए तो मैं एकदम हैरान रह गया। तो फिर मैंने इसी खुशी में यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चैनल क्या कहते हैं आगे वीडियोज़ बनाया करूँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फजूल फिल्म्स के नाम से एक चैनल है, वो भाई पूछ रहे हैं कि भाई हमें कोई लेंस सजेस्ट करें जिसमें मूवी और फिल्म वगैरह बना सकूं। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं 50mm लेंस है और एक 18-135mm लेंस है। 50mm f1.8 f1.4 बहुत अच्छे लेंस हैं वीडियो के लिए, और 18-135 किट लेंस है जो कि आपको एक टैली मतलब कि जूम रेंज भी दे देता है और वाइड भी रेंज भी दे देता है, तो ये दोनों के लिए आप बेस्ट रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सो उसामा अब्बासी के नाम से एक चैनल है जैसे कि आप देख सकते हैं, भाई कोई फुटबॉल के टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आजकल पिंडी इस्लामाबाद में फेस्टिवल के बारे में ट्रेंड है। सो गाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, ये भी बार ब्रदर्स वगैरह का मुझे एक्सरसाइज वगैरह का शौक है तो मैं इसलिए इधर आ जाता हूँ। बकाया मैं टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा भागता हूँ, इवेंट्स वगैरह हूँ तो मैं उनके कभी भी नहीं छोड़ता, तो ऐसा ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमार अतीक पूछ रहे हैं कि डू यू प्ले पबजी? नहीं, इसके लिए टाइम बहुत चाहिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं वीडियो भी बहुत मुश्किलों से बनाता हूँ, मेरा कॉपीराइट लगवाएंगे तो इसलिए मैं अभी वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। और आज का क्वेश्चन यही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शो की तरफ। सो
सो गाइस अभी हमारी वापसी है, मैं इवेंट अभी चल रहा है तो काफ़ी टाइम लग जाना है वहाँ पे, क्योंकि अभी वो सेकंड राउंड शुरू हो रहा है। सो जो रिज़ल्ट हुआ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी पिक्चर पे, कौन सा बच्चा जीता है आज। सो काफ़ी मज़ा आया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।